देखो जो अगला क्वेश्चन है वो ये बोलता है, डिजाइन अ DFA विच चेक्स वेदर अ गिवन बाइनरी नंबर इज इवन और नॉट. ओके सी, दो चीज़ें हो सकते हैं यहाँ पर. या तो हम उस नंबर की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम उस नंबर की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर जो बात की गई है वो उसकी वैल्यू के बारे में बात की है कि बाइनरी नंबर जिसकी जिसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो एक इवन डेसिमल वैल्यू है. जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर जो होंगी वो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही बनी होगी. ठीक है, वो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही बनी होगी, उसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन वहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, अब देखो अगर एक बाइनरी नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनी है तो बाइनरी नंबर क्या हो सकती है? अगर वो नंबर सिर्फ 0 है यानी कि एक डेसिमल वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो सिर्फ 1 है तो नीचे डेसिमल वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है. उसी तरीके से अगर हमारे पास 0 0 है तो ये एक 0 को रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि इवन नंबर. हमारे पास 0 1 है तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि ऑड नंबर. अगर हमारे पास 1 0 है तो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 2 को, जो कि एक इवन नंबर है. अगर हमारे पास 1 1 है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 3 को, जो कि एक ऑड नंबर है. ठीक है, उसी तरीके से आपके पास 3 बिट की बाइनरी नंबर हो सकती हैं, जैसे कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1. तो ये जो पहली नंबर है हमारी, ये रिप्रेजेंट कर रही है 0 को, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को, ये 7 को. करेक्ट, तो दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑड, अगेन इवन, ऑड, इवन, ऑड एंड सो ऑन. उसी तरीके से आपके पास 4 बिट की बाइनरी नंबर्स हो सकती है, 5 बिट की बाइनरी नंबर्स हो सकती है एंड सो ऑन. तो दे आर आस्किंग अबाउट द बाइनरी नंबर्स. अब ध्यान दो, दे आर आस्किंग डिजाइन अ DFA विच चेक्स वेदर द गिवन बाइनरी नंबर इज इवन और नॉट. अब जो भी इवन बाइनरी नंबर होती हैं वो हमेशा 0 से एंड होती है. अगर आप यहाँ पर ध्यान से अगर इस पूरी स्ट्रिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी स्ट्रिंग के एंड में अगर 0 है, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है. अगर जो एग्जैक्टली कोई भी स्ट्रिंग अगर आप यहाँ से इस तरीके से स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, इस डायरेक्शन स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं और उसका सबसे लास्ट सिंबल 0 है, तो वो एक इवन नंबर है. जैसे कि इफ़ आई टेक एनी रैंडम कॉम्बिनेशन, मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया 1 1 0 1 0 1 0. ठीक है, इस केस में क्या होगा, बिकॉज ये जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर ये एक 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब है ये एक इवन नंबर है. ठीक है, अगर मैं कॉम्बिनेशन ऐसा लेता हूँ 1 1 0 1 1 1 1, अब बिकॉज ये लास्ट जो नंबर है, जो लास्ट जो डिजिट है वो आपकी 1 है यानी कि एक ऑड नंबर है, तो कोई भी स्ट्रिंग अगर 0 से एंड होगी यानी कि वो एक इवन नंबर है. तो इस सेम क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स दैट आर एंडिंग विद ज़ीरो. ठीक है, तो इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइनरी स्ट्रिंग्स दैट आर एंडिंग विद ज़ीरो. अब ध्यान दो, जब मैं इवन नंबर की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं एप्सिलॉन की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास सिर्फ कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है तो दैट इज़ एप्सिलॉन सिंबल, तो एप्सिलॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एप्सिलॉन को एक्सक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर. तो हम देखेंगे कि जो भी स्ट्रिंग 0 से एंड हो रही है वो हमारी इवन बाइनरी नंबर है. तो हमें सिर्फ DFA बनाना है कि वो इवन बाइनरी नंबर है. ठीक है, अब देखो जब आप इसको टेप के ऊपर लोड करेंगे तो क्या होगा, टेप के ऊपर कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इट कैन बी 1 1 0 1 0. आपको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में रीड करना है. ठीक है, अगर आप पहला सिंबल रीड कर रहे हैं तो आपको नहीं पता 0 हो सकता है 1 हो सकता है, तो हमें एज्यूम करना है हर एक केस में अगर यहाँ पर 0 आएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 1 आएगा तो क्या होगा. उसके बाद नेक्स्ट सिंबल जब हम रीड करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा तो क्या होगा. ठीक है, और हम हमेशा एज्यूम करेंगे शायद स्ट्रिंग का एंड आ चुका है. ठीक है, देखो कैसे इनिशियल स्टेट आपकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर क्यू नॉट से. ठीक है, आपने क्यू नॉट से इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट किया. अब स्टार्टिंग में 1 और 0 कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. बट स्टार्टिंग में अगर एक ही 0 है, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल 0 है, अगर एक सिंगल 0 है यानी कि इवन नंबर है,
तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इमेजिन करूंगा, अगर मेरे पास एक सिंगल जीरो आ गया, इसका मतलब है कि एक इवन नंबर है और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, हम स्टेट Q1 पर चले गए। Q0 से सिंगल जीरो आया तो हम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वी आर इमेजिनिंग दैट इट इज ए इवन नंबर। ठीक है, अब Q1 पर अगर एक सिंगल वन आया, ठीक है, Q1 पर अगर एक सिंगल वन आया तो क्या होगा, वो ऑड नंबर हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं उसको सेम ट्रांजिशन दे रहा हूँ कि वन आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में कितने भी वन आए, जैसे स्ट्रिंग ऐसी हो सकती है 1111111110, तो स्टार्टिंग में कितने भी वन आए डजंट मैटर, लेकिन अगर एंड उसकी जीरो से हो रही है तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा देखो बहुत सारे अलग अलग डायग्राम पॉसिबल है डी एफ एक्स के केस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज के लिए सिर्फ एक ही तरह का डायग्राम हो, कई सारे अलग अलग तरह के डायग्राम पॉसिबल है, इसको आप कई अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छोटे से छोटा डायग्राम बनाऊँ। ठीक है, तो Q0 में इनिशियली कितने भी वन हो, लेकिन जैसे ही एक जीरो आएगा मुझे लगेगा स्ट्रिंग का एंड आ चुका है, तो वो एक इवन नंबर है। जैसे यहाँ पर भी स्टार्टिंग में कितने भी वन है, कुछ भी वन आ रहे हैं तो डजंट मैटर, हम नॉन फाइनल स्टेट पर है, लेकिन जैसे ही हमारे पास एक जीरो आया हमें लगा कि शायद अब स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, तो हमने एक फाइनल स्टेट पर लेकर चले गए। लेकिन अगर इसके बाद एक और वन आए, यानी कि स्ट्रिंग अगर ऐसी हो 110101, तो अब ये स्ट्रिंग यहाँ तक अगर आप रीड करोगे, अगर यहाँ तक स्ट्रिंग को रीड करोगे तो यहाँ तक तो हमारे पास एक इवन नंबर बनती है, लेकिन इसके बाद अगर एक और वन आए तो यानी कि इट इज़ अ ऑड नंबर। तो इसके बाद अगर एक और वन आ रहा है तो हम यहाँ पर चले गए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर। ठीक है, देखो अब हो क्या रहा है कि अगर जीरो आए तो हम यहीं पर रहेंगे। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग इस तरीके से है, मानो 1101, ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग है, चाहे 110111 10101010, इस तरीके से आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है, हर एक केस में अगर वो जीरो वन से एंड होगा तो आप हमेशा क्यू नॉट पर होंगे। चेक करो, पहले वन को रीड किया, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, इस केस में पहले स्ट्रिंग है हमारे पास 1101, तो पहले वन को रीड किया, इस वाले वन को, तो आप क्यू नॉट से क्यू नॉट पर ही रहे। ठीक है, फिर दूसरे वन को रीड किया तो आप फिर भी क्यू नॉट से क्यू नॉट पर रहे, जैसे ही हमारे पास जीरो आया हम क्यू नॉट से क्यू वन पर चले गए, लेकिन जैसे ही दोबारा से वन आया तो हम क्यू नॉट क्यू वन से क्यू नॉट पर चले गए। तो जो स्ट्रिंग जैसे ही खत्म होगी तो हमेशा क्यू नॉट पर होंगे। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग के दो वन है तो हमेशा क्यू नॉट पर रहे, पर जैसे ही जीरो आएगा तो हम क्यू नॉट से क्यू वन पर जाएंगे, और वहाँ पर जैसे ही एक वन आएगा तो हम क्यू वन से दोबारा से क्यू नॉट पर चले गए, उस बार कितने भी बनाए हमेशा क्यू नॉट पर ही रहेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि पहले वन की वजह से हम क्यू नॉट से क्यू नॉट पर रहे, इस जीरो की वजह से क्यू नॉट से क्यू वन पर चले गए, तो यहाँ पर हम क्यू वन पर पहुँच गए, फिर इस वन की वजह से हम क्यू वन से क्यू नॉट पर आ गए, फिर इस जीरो की वजह से क्यू नॉट पर क्यू वन, फिर इस वन की वजह से क्यू वन से क्यू नॉट एंड सो ऑन। जब लास्ट में हमारे पास वन आएगा तो आप हमेशा चेक करोगे आप क्यू नॉट पर ही एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन सभी स्ट्रिंग्स को जो कि जीरो से एंड हो रही है। अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रही है, कोई स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग जीरो से एंड हो रही है, यानी कि कोई इवन नंबर है। अब अगर इसको टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, टेबलर फॉर्म में तो क्यू नॉट और क्यू वन हमारे पास स्टेट्स हैं, इनपुट स्ट्रिंग्स आर जीरो और वन, तो क्यू नॉट पर वन जीरो दिया तो हम क्यू वन पर गए, और यहाँ पर अगर वन दिया तो हम क्यू नॉट पर ही रहे। उसी तरीके से क्यू वन पर अगर हमने जीरो दिया तो हम क्यू वन पर ही रहे, और यहाँ पर अगर हमने वन दिया तो हम क्यू नॉट पर रहे, और ये हो गया हमारे पास फाइनल स्टेट, और ये हो गया हमारे पास इनिशियल स्टेट। तो हमने सिर्फ दो स्टेट्स की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगेन मैंने एप्सिलॉन स्ट्रिंग को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। एप्सिलॉन स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर उसकी लेंथ जीरो हो, स्ट्रिंग की लेंथ जीरो हो, तो वो एक इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, दैट इज़ अगेन टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, तो काफ़ी बुक्स में अलग अलग डायग्राम गिवन है, कुछ जगह पर कुछ डायग्राम गिवन हुआ, कुछ जगह पर कुछ डायग्राम गिवन होगा जहाँ पर उन्होंने एज्यूम किया होगा कि लेंथ जीरो एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेंथ जीरो इज़ कंसिडर, डू नॉट कंसिडर लेंथ जीरो, बिकॉज यहाँ पर हमने सिर्फ इवन वैल्यू या ऑड वैल्यू की बात करी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।